हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये सारे फट्टे निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, आज हम जो है इस सारे फट्टे का जो है एक और टीवी शोकेस बनाने वाले हैं। टीवी शोकेस और क्लोज कैबिनेट भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसको अभी फट्टे को कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये सारे फट्टे को कटिंग करके यहाँ पर रख लिया है। तो आप चलिए ज्वाइन करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक टीवी शोकेस बनाने वाले हैं हम। ये टीवी शोकेस करीबन 6 फीट लंबाई होगा और इसकी ऊंचाई 5 फीट, 6x5 फीट का साइज़ बनने वाला है। तो चलिए अब ज्वाइन करने का काम जो शुरू करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, हम फट्टा को ज्वाइन करने के लिए जो है सबसे पहले हम मशीन वाले रंडे से जो है रंडा मारेंगे। थोड़ा सा मशीन वाला रंडा से जो है रंडा मार के थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हाथ वाले रंडे से जो है उसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी देखिए फट्टे जो है फट्टे को ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो वही उसी का वीडियो हम बना रहे हैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम फट्टे को ज्वाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमने मशीन वाला रंडा से हल्का सा थोड़ा सा अप डाउन था जो उसको मार दिया है। तो अभी हम हाथ वाले रंडे से जो इस तरह से मार कर सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है इसको मार के साइड कर लेंगे। फिर दूसरा वाला उठाएंगे, उसको भी रंडा मार के सेम इसी तरह मारेंगे और उसको दोनों को वापस में ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हमने ये देखिए दो फट्टा हमने ज्वाइन करके कंप्लीट कर लिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये फट्टा जो हमने ज्वाइन किया, ये 8 इंच का फट्टा है। दो पीस ज्वाइन करने पर 16 इंच का होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये देखिए 4 पीस फट्टा जो ज्वाइन करके रेडी कर लिया है। तो अभी इसको हम फेविकोल लगा के ज्वाइन करने वाले। तो दोस्तों, इसको हम पहले सारे फट्टे को ज्वाइन करके रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद एक ही साथ में सारे फट्टे को फेविकोल लगाकर ज्वाइन करने वाले। तो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से सारे फट्टे को ज्वाइन करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सारे फट्टे जो है हम ना ज्वाइन करके पूरी तरह से रेडी करके रख लिया यहाँ पर। ये देखिए, तो आप चलिए बिना देरी के सारे फट्टे को जो है फेविकोल लगाकर ज्वाइन करेंगे, वो भी अच्छी तरह से। तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमने फट्टे को ज्वाइन करने के लिए हमने फेविकोल लेकर रख लिया यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने ये फेविकोल जो है वो वाटरप्रूफ वाला फेविकोल ले लिया है। तो फेविकोल वाटरप्रूफ वाला फेविकोल मेरिन जो होता है बोलता है ना, वो वाला फेविकोल हमने लेकर रखा है। तो ये वाला फेविकोल दोस्तों बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत ही जल्दी ज्वाइन पकड़ लेता है। तो नॉर्मल वाला फेविकोल तो काफ़ी समय लग जाता है सूखने में, लेकिन ये वाला फेविकोल से ना बहुत ही जल्दी सूख जाता है और फटाफट पकड़ लेता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी अभी देख पा रहे हैं, ये देखिए हम जो है फट्टे पे फेविकोल लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से। दोस्तों, इसी तरह से जो है फेविकोल दोनों फट्टे में लगाना पड़ेगा। तो दोनों फट्टे में फेविकोल लगा के उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर उसके बाद में जो है अब वापस में दोनों को चिपका देंगे। तो दोनों को चिपका लेने के बाद वो जो है दोस्तों वो सूखने के बाद ना छूटने वाला भी नहीं, बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छी तरह से ज्वाइन होता है। और इसको सूख जाने के बाद अगर आप इसको ऊपर से फेंक भी देंगे तो ये बिल्कुल ज्वाइन में छूटने वाला नहीं है। अगर फट्टे दूसरे जगह टूट सकते हैं, लेकिन जो हमने ज्वाइन किया ना उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। तो दोस्तों, हमने ये हम अलमारी जो टीवी का शोकेस जो बना रहे हैं, ये हमने इसका लंबाई 6 फीट का रखा है और इसकी ऊँचाई जो है वो 5 फीट का होने वाला है। और इसके चौड़ाई साइज में जो होता है वो 2 पीस फट्टा ज्वाइन करने के बाद वो 16 इंच होता है। तो इसको रंडा मार लेने के बाद में जो ये थोड़ा सा कम हो सकता है, 1/2 इंच जैसा तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बैंड भी है फट्टे वगैरह। तो इसलिए ये 15.5 इंची या 15 इंची का साइज में हो सकता है शायद। तो ये अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में हम इसे साइज़ करेंगे तभी पता चलेंगे ये कितना साइज़ में होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, हमने एक पीस फट्टा जो ज्वाइन करके यहाँ पर रेडी करके रख लिया कुछ इस तरीके से। तो अब चलिए बाकी सारे फट्टे को भी फटाफट से हम ज्वाइन करने का काम जो है वो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों ये अलमारी भी बोल सकते हैं, या शोकेस, टीवी शोकेस भी बोल सकते हैं, या क्लोथ्स कैबिनेट भी बोल सकते हैं, तो उसी के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इस फट्टे सारे जो है ज्वाइन करके रखने वाले हैं, तो ज्वाइन करके रख के सूखने के बाद फिर इसको हम रन्ना मार के इसके साइज़ में लाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के अब इसको फटाफट सारे के सारे फट्टे को जो है ज्वाइन करके कम्प्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दो पीस दोनों फट्टे जो है ज्वाइन करके रेडी कर लिया। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए दो पीस हमारा ज्वाइन करके रेडी हो चुका है फट्टे साथ जो है। तो अब चलिए बाकी सारे फट्टे को ज्वाइन करने का हम जो शुरू करते हैं। तो ये अच्छी तरह सूखने के बाद फिर भी तभी इसको राना मारने वाले। तो इस तरफ देखिए ये सारे और भी फट्टे बाकी बचा हुआ, इन सारे फट्टे को फटाफट से चलिए ज्वाइन करते हैं। और दोस्तों देखिए काम करते करते ना बारिश भी आना शुरू हो गया था, तो हमारा काम भी जो जैसे जैसे हमने कंप्लीट कर लिया था रन्ना मार के। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे फट्टे जो हमने ज्वाइन करके यहाँ पर सुखा कर रख लिया है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो हमारा सारे फट्टे जितने भी जरूरत थे हमने सारे फट्टे को रन्ना मार के यहाँ पर रेडी करके रख लिया है। और भी बाकी है, और मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े और भी ज्वाइन करने का काम बाकी है, लेकिन हमने जितने लंबे की जरूरत है ना वो सारे लंबे फट्टे को हमने ज्वाइन करके यहाँ पर रख लिया है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इस फट्टे के जो ज्वाइन करके रखा हो, तो हम फिर दूसरे दिन आए हैं। तो दूसरे दिन आकर हमने अभी ये सारे फट्टे को रन्ना मारने वाले। तो दोस्तों हमने ये देखिए एक पीस फट्टे को जो यहाँ पर लेकर रख लिया, ज्वाइन किया वाला फट्टे जो हमने यहाँ पर रख लिया एक पीस इसको, तो इसको हम साइड साइड में रन्ना मार के फिर इसके जो चौड़ाई साइड से रन्ना मारने वाले हैं। तो इस तरफ देखिए ये सारे फट्टे यहाँ पर रख के सूखा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों हमने इस फट्टे को जो साइड साइड पे रन्ना मार के लेके यहाँ पे रख लिया है। अब तो चलिए बिना देरी के फटाफट इसको रन्ना मारने का काम जो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने रन्ना मारने का काम जो शुरू कर दिया है, देखिए कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से चौड़े साइड से रन्ना मारने के आते ना दोस्तों फट्टा बहुत ही पूरा सीधा हो जाता है। ये फट्टे का जैसे लंबाई है ना उसी तरह से अगर लंबाई साइड में रन्ना मारेंगे ना तो बिल्कुल भी सीधा नहीं होगा और काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो इस तरह से मारने से ना दोस्तों जल्दी से सीधा हो जाता है, फट रन्ना मारने का काम बहुत फटाफट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये फट्टे को जो एक साइड रन्ना मार के पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। और दोस्तों इसके फट्टे का भी साइज करने का जो बाकी रह गया, तो दोस्तों इसको साइज करने से पहले जो ये यहाँ पे जितने भी सारे फट्टे हैं ना वो सारे फट्टे का हम एक एक साइड मार के पूरी तरह से कम्प्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो साइज करने का काम वो शुरू करते हैं। तो चलिए फटा से रन्ना मार के कम्प्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, देखिए हमने सारे फट्टे को जो एक एक साइड रन्ना मारकर रख लिया कुछ इस तरह से। और दोस्तों अभी हमारा काम करके शाम हो चुका है, अब जाने का समय भी हो चुका है। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।